नमस्कार साथियों, आशा की विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, काफ़ी समय से आपके प्रश्न आ रहे हैं कि ऋषि खेती में कीट प्रबंधन कैसे किया जाए। तो साथियों, इसका उत्तर बड़ा ही सरल है। अगर ऋषि खेती की अवधारणा यानी कि इसकी थीम अगर समझ में आ जाती है तो यह प्रश्न ही नहीं उठता है। साथियों, अगर हम प्रकृति के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ ना करें तो प्रकृति में संतुलन बना रहता है। जैसे खेत में अगर चूहे अधिक हो गए हैं तो इन्हें खाने सांप आ जाएंगे, सांप अधिक हो गए हैं तो इन्हें खाने मोर, नेवला, बाज आ जाएंगे, दीमक अधिक हो गई है तो दीमक को खाने चींटियां आ जाएंगी, फसल में एफिड आ गया है तो उसे खाने लेडी वर्ड बीटल आ जाएगी। तो साथियों, अगर हम ईमानदारी से ऋषि खेती के नियमों का पालन करते हुए खेती करेंगे तो कीटों की समस्या आएगी ही नहीं। आपने देखा होगा, जहां एकल फसलें लेने का रिवाज है वहां कीटों की समस्या विकराल है। एकल फसलें लेने से जमीन की ताकत भी कम होती है, नतीजा कमज़ोर पौधा। तो सिलसिला शुरू होता है हाथ से बनी खाद या बाजार से खरीदी खाद देने का, तब परिणाम होता है फसल में बीमारी व कीटों का प्रकोप। मेरी खुराक कितनी है यह आपको नहीं पता, यह मुझे ही पता है। ठीक इसी तरह पौधे की खुराक क्या है आपको नहीं पता। संतुलित खुराक के अभाव में पौधे में रोग, कीट, व्याधियां पनपती हैं। ऋषि खेती में असंतुलन खुराक का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ना ही किसान को इस बात की चिंता रहती है कि कब कितनी खुराक पौधे को देनी है। फसल अपशिष्ट को मल्चिंग के रूप में जहां का तहां डाल दिया जाता है। ऋषि खेती में मिक्स क्रॉप बोई जाती हैं जिससे जमीन की ताकत तो बढ़ती ही है, जो कीट फसल की सुगंध लेकर आकर्षित होते हैं वह मिक्स क्रॉप होने की वजह से आकर्षित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी एक फसल की सुगंध नहीं मिल पाती है। यह ठीक ऐसा ही होता है जैसे कई प्रकार के इत्र मिक्स करके आपकी नाक के पास रख दिए जाएं और पूछा जाए कि कौन से इत्र की खुशबू आ रही है, तो क्या आप बता पाओगे कि फलां इत्र की खुशबू आ रही है। कुछ मौसमी कीट पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वह इतना नुकसान नहीं पहुंचाते कि जीव हत्या का पाप सिर लिया जाए। जैसे ही हवा का रुख बदलता है यह कीट चले जाते हैं। कीट व्याधि रोकने में देसी बीज भी अहम भूमिका निभाते हैं। हाइब्रिड बीज रोग अपने साथ लेकर आते हैं। देसी बीजों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। जहाँ ये पैदा होते हैं वहाँ के माहौल में ढले होते हैं। अधिकतर यह देसी बीज अपना बचाव करने में सक्षम होते हैं। देसी विदेशी बीज का अंतर ऐसा ही है जैसे किसी गैर भाषी इंसान को किसी अजनबी शहर में छोड़ दिया गया हो और एक इंसान ऐसा है जो वहीं की मिट्टी में पला बड़ा है। दोनों इंसानों में से कौन सा इंसान अनुकूल होगा? जाहिर सी बात है, जो जहां पला बड़ा है वह इंसान अधिक अनुकूल होगा, क्योंकि उसे वहां की मिट्टी, हवा, पानी सब चीज़ की पहचान है। वह वहां की अनुकूलता के हिसाब से अपनी वृद्धि करेगा। यही हमारे देसी बीजों के साथ होता है। देसी बीज बजाय हाइब्रिड बीजों के अधिक फलते फूलते हैं। तो साथियों, आप भी ऋषि खेती अथवा ऋषि गृह वाटिका की तैयारी कर लीजिए। भले ही आप दो गमलों से शुरुआत करें, हो सकता है शुरुआत में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े, लेकिन लगे रहना है, बीच में छोड़ना नहीं है। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए एक तिनके से आई क्रांति पुस्तक भी पढ़ें। इसकी PDF गूगल पर कई भाषाओं में मिल जाएगी। साथियों, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। धन्यवाद।